वेलकम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम पीस बी ऑन टू यू ऑल हमारा आज का टॉपिक है फिश स्केल्स एंड इट्स टाइप्स जैसा कि हम जानते हैं फिश की बॉडी पे एक्सटर्नली स्केल्स होती हैं जिनसे सारी बॉडी कवर हो जाती है ये स्केल्स जो होते हैं ये छोटे रिज प्लेट्स होते हैं जो पूरी स्किन पे ग्रो करते हैं स्केल्स ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है फिशेस के एवोल्यूशन में प्रीमिटिव फिशेस में यूजुअली मोटी बोनी प्लेट्स या मोटे स्केल्स होते थे जिनमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ बोन एनेमल या रिलेटेड मटेरियल हुआ करता था ठीक है मॉडर्न बोनी फिशेस में अगर देखा जाए उनमें स्केल्स होती हैं जो प्रोटेक्टिव तो होती ही हैं बट साथ साथ ये ज्यादा फ्रीडम ऑफ मोशन भी एलो करती हैं अगर हम स्केल्स की बात करें तो जनरली ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन हम इनको डिवाइड कर देते हैं इंटू टू टाइप्स एक होगी प्लेकॉइड स्केल्स और दूसरी होती है नॉन प्लेकॉइड स्केल्स प्लेकॉइड स्केल्स जो कॉन्ड्रक्स में या का्टिजनस स्पीशीज लाइक शार्क्स रेस किट्स उनमें पाई जाती है वाइल एज नॉन प्लेकॉइड स्केल्स जो होती हैं उनको हम फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ अपेयरेंस या स्ट्रक्चर थ्री टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं जिसमें कॉस्मोइड हो गया गैनॉइड स्केल्स हो गए और साइलॉइड एंड टीनॉइड एक साथ मिला के ठीक है तो सबसे पहले जो हम प्लेकॉइड स्केल्स देखते हैं यूजुअली जो शार्क्स में पाई जाती है वो वाली स्केल्स जो है वो रिलेटिवली बहुत टाइप ऑफ स्केल्स हैं। प्लेकॉइड स्केल्स को हम डेंटिकल्स भी कभी, कभी कभार रेफर किया जाता है उनको एज डेंटिकल्स unlike uh, scales of bony fishes blackoid scales का साइज जो होता है ये बढ़ता नहीं है जितना है उतना ही रहता है लेकिन इनस्टेड नई स्केल्स जो है वो ऐड होती रहती हैं दूसरी स्केल्स के बीच में ऑल्दो ये क्लोजली सेट होती हैं बट ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं ठीक टच तो करेंगी बट ओवरलैप नहीं करेंगी दूसरी टाइप ऑफ स्केल जो फिशेस लाइक गार हो गई बोफिंस हो गई स्टर्जनस हो गए ठीक है तो उनमें पाई जाती है इसको हम गैनोइड कहते हैं ये स्केल्स प्लेकोइड के जैसी होती हैं लेकिन इनके बाहर से सब्सटेंस होता है जिसे हम गैनॉइन भी कहते हैं ये वाली स्केल्स जो है ये पाई जाती है जैसे हमारी बोफिन हो गई पैडल फिश हो गई स्टर्जन हो गए जो पॉलिप्टेडी और लेपिडोसटी में पाई जाती हैं ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है Uh, दो जिन बोनी रिच टाइप स्केल्स जिसमें दो टाइप्स है नंबर वन उसमें आ जाती है साइक्लॉइड स्केल्स ठीक जो कि ओवरलैपिंग होती है इनमें पहले आती है uh, uh, कार्प्स वगैरह जो होती हैं फिशेज उनमें ये साइक्लोइड स्केल्स पाई जाती है ये यूजुअली कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सॉफ्ट सॉफ्ट रेड फिशेस जैसे कार्प्स वगैरह हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दूसरा टाइप जो इसमें आ जाता है जैसे पर्च एनेबस वगैरह जो फिशेस हैं उनमें मिलता है इसे हम स्केल कहते हैं ये स्पाइनी रेड फिशेस जैसे एनेबस हो गया, उनमें पाई जाती है ये उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अब अगर हम स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो सबसे पहले प्लेकॉइड स्केल का अगर हम स्ट्रक्चर ले लें तो इसमें दो पार्ट होते हैं नंबर वन एक फ्लैटन रोमबॉइडल बेसल प्लेट होता है जो फिश के डर्मिस से ही उठता है और वहीं पे एम्बेड होता है और इसका जो दूसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं ट्राइडेंटाइन स्पाइन ठीक जो फ्लैट एक प्लेट जैसा होता है ऑन रोमल प्लेट जो में है ट्राइडेंटाइन प्लेट एक होता है जिसके आगे से तीन जैसे होते हैं, और इसीलिए इसको ट्राइडेंटाइन स्पाइन भी कहते हैं इन स्पाइन से फिश की बॉडी पे एक रफ टेक्सचर आ जाता है बेसल प्लेट जो होता है वो मेनली कैलसीफाइड टिश्यू होता है तो फर्दर अगर इसको देखेंगे स्किन पे तो ये पूरी स्किन पे ही होते हैं प्लेकॉइड स्केल्स बट ये खाली एक दूसरे को टच करेंगे बट ये ओवरलैप नहीं करते हैं ठीक है इनका स्ट्रक्चर बेसिकली दांतों के जैसा होता है जैसे दांत में हम देखते हैं बाहर से एक इनेमल की लेयर होती है फिर अंदर से उसको डेंटाइन होता है और और बिल्कुल बीच में एक पाल कैविटी होती है तो सेम आपको प्लेकॉइड स्केल का स्ट्रक्चर भी वैसा ही मिलेगा इनको भी इनेमल लाइक सबस्टेंस जिसको हम वाइट्रोडेंटाइन भी कहते हैं वो होता है और अंदर से फिर डेंटाइन की एक लेयर होती है और बिल्कुल बीच में कवर अप हो जाती है एक पल्प कैविटी जिसमें ब्लड वेसल्स या नर्व सप्लाई रहती है अगर हम एक लॉन्गिट्यूडल सेक्शन लेंगे शार्क के लोअर झा का तो वहां पे आपको कुछ इस तरह का दिखेगा जो दांत होते हैं बेसिकली ये भी प्लेक्इड स्केल्स ही होते हैं ये वही मॉडिफाई हो जाते हैं और इनका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे सेम टू तो सेम वही प्लेक्ट स्केल्स वाला

जिनके ऊपर एक डेंटाइन और फिर उसके ऊपर एक एनिमल की लेयर होती है इन डेंटाइन और एनिमल की लेयर्स की अनयूजल अपेयरेंस की वजह से पुराने रिसर्चर्स को कंफ्यूजन हो गया था कि शायद ये कोई डिफरेंट मटेरियल है जिस वजह से आदू ने इसका नाम कॉस्मिन रख दिया दूसरों ने गहनोइन नाम रख दिया और उसी बेसिस पे फिर इसका नाम ही पड़ गया कॉस्माइड स्केल और गहनोइड स्केल लेकिन एक्चुअली फिर बाद में पता चला कि ये जो कॉस्मिन जिसको हम कहते हैं वो असल में डेंटाइन ही मटेरियल है और जो गैनोइन जिसको उन्होंने कहा था वो एनिमल मटेरियल होता है लेकिन सिंस अब बहुत टाइम से ये नाम चलता आ रहा है तो अब इसको नाम यही रख दिया गया कॉस्मोइड स्केल और गैनोइड स्केल ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्मिन एंड गैनोइन हालांकि ये कॉस्मिन और गैनोइन जो है ये दोनों डेंटाइन और एनिमल ही होता है तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कॉस्मोइड स्केल कॉस्मोइड स्केल जो कि एक्सटिंक्ट लोब फिंडिश में पाई जाती है उसकी बेस पे बोनी लेयर से वो बनी हुई होती है उसकी बेस ठीक अब ये जो बोनी लेयर है बेसिकली इसकी फिर फर्दर दो लेयर्स होती है आ, एक को हम कहते हैं लेम्युलर लेयर और दूसरे को हम कहते हैं वेस्क्यूलर लेयर ये दो बोनी उसके ऊपर फिर डेंटाइन आ जाता है और फाइनली फिर इनेमल लेकिन बेसिकली ये जो बोन है उसका नीचे वाला जो लेयर है उसको हम लेमिलर बोन कहते हैं ठीक और उसके ऊपर फिर एक वेस्क्यूलर या जिसको स्पॉन्जी बोन लेयर भी कहते हैं ये दोनों मिलके बोन लेयर्स बनाते हैं फिर इसके ऊपर से आ जाता है डेंटाइन की लेयर और उसके ऊपर एनिमल ठीक बेसिकली जो कॉस्मिन है कॉस्मिन असल यही डेंटाइन है लेकिन पुराने जमाने में इसको कॉस्मिन कहा जाता था असल में ये डेंटाइन ही मटेरियल है नेक्स्ट अगर हम लेंगे गैनोइड स्केल को तो गैनोइड स्केल में भी दो बोनी लेयर्स होती है बट यहाँ पे डेंटाइन एब्सेंट होता है और एक्सटर्नली एक एनिमल की लेयर होती है जिसे लिटरेचर में गैनोइन कहते थे कुछ फिशेस की गैनोइड स्केल्स में जो वेस्क्यूलर बोनी लेयर है वो एब्सेंट होती है वहां पे खाली आपको लेमिलर बोन मिलती है और जो अब बिल्कुल मॉडर्न टीलोस हो गए जो नॉर्मल कॉमन हमें बोनी फिशेस मिलती है ठीक उनमें खाली उनमें एनिमल डेंटाइन एंड वेस्कुलर बोन जो है वो एबसेंट होते हैं खाली बोन वहां पे रहती है जो एसेलुलर और मोस्टली नॉन कैलसीफ होती है अब इससे हमें दो टाइप्स ऑफ स्केल्स फर्दर मिलती है जिन्हें कॉमनली हम बोनी रिच टाइप कहते हैं ठीक है एक तो उसमें हो गया साइक्लॉइड और दूसरी उसमें आती है टीनॉइड स्केल Cycloid और टीनोइड जो है मॉडर्न टीलोस में पाई जाती हैं, ये खाली टू लेयर से बनी हुई होती है लेमिलर बोन लेयर या जिसको आइसोपीडाइन भी कहते हैं और इनर डेंस फाइब्रस लेयर। जहां तक साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स का ताल्लुक है इन दोनों में कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं लाइक like इनमें बीच में एक फोकस होता है जो सेंट्रल जोन या न्यूक्लियस कहलाता है सबसे पहले यही डिवेलप होता है कुछ फिशेज में फोकस सेंटर से थोड़ा हट के पोजिशन होता है उसके बाद आता है सर्क्यूलई ये सीरीज ऑफ कंसेंट्रिक बोनी रिज होते हैं जो फोकस को सराउंड करते हैं इन्हें ग्रोथ रिंग्स या लाइंस ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं उसके बाद आते हैं रेडी uh, ये जो होते हैं ये ग्रूव्स होते हैं जो फोकस से रेडिएट करते हैं टुवर्ड्स द मार्जिन ऑफ द स्केल और उसके बाद आ जाता है एन्युल जो कि एक्चुअली एनुअल ग्रोथ मार्क्स होते हैं जिससे फिश की एज वगैरह हम पता लगा सकते हैं ठीक है तो एंटीरियर मार्जिन हो गया ये पोर्शन जो होता है स्केल का ये वो वाला हिस्सा है जो डर्मिस में एम्बेड रहता है ठीक ये नेकड नहीं होता है डर्मिस में होता है फिर आ जाता है पोस्टीरियर मार्जिन ये वाला पोर्शन जो होता है ये एक्सपोज्ड होता है यहां पे साइकोलॉइड और टीनॉइड में डिफरेंस मेन है साइक्लोइड स्केल्स में ये वाला रीजन जो होता है स्मूथ होता है बट टीनॉइड स्केम लाइक टीथ या जिनको हम टीनी भी कहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ठीक है तो ओवरऑल अगर हम जनरलाइज व्यू लेंगे हमारे पास असल में तो फाइव टाइप्स ऑफ स्केल्स है लेकिन प्रेजेंट जो फिशेज है उसमें हमें टोटल चार टाइप्स मिलते हैं नंबर वन होगी हमारी प्लेकॉइड स्केल जो कार्टेलिजनस फिशेज लाइक शार्क्स में पाई जाती है ये नॉन ओवरलैपिंग होती है ठीक है हमारे टीथ जैसे स्ट्रक्चर इसका होता है दूसरी हमारे पास आ जाती है गैनोइड स्केल जिनमें गैनोइन होता है जो कि बेसिकली असल में क्या है जी वो डेंटाइन मटेरियल है तो जैसे हो गए वगैरह जो है है वो उनमें पाया जाता है, टाइल्स लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है एक दूसरे को ये ओवरलैप नहीं करते हैं उसके बाद हमारे पास बोनी रिच टाइप दो आते हैं एक हो गई आपकी साइकोलॉइड स्केल्स और टीनॉइड स्केल दोनों सेम ही है मटेरियल भी इनमें सेम है एक बोनी लेयर होती है ठीक है फाइबरस एक लेयर बट डिफरेंस इतना है कि टीनोइड स्केल में जो है उनको जो पोस्टीरियर सर्फेस है वहां पे छोटे लाइक स्ट्रक्चर या जिनको टीनी कहते हैं ये वाली जो होती है ये किन में ये स्पाइनी रेड फिशेस जो टीलोस्ट हैं, उनमें पाई जाती है और स्केल्स स्केल नॉर्मल कॉमन जो आपके पास लाइक कार्प वगैरह टीलोस्ट हो गए वो उनमें पाई जाती है आई होप इससे आपके कुछ कंसेप्ट uh, क्लियर हुए होंगे थैंक यू